हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ तालेर खीर। तो देखिए, खीर आप लोग सब खाते हैं, बहुत टाइप का खीर, बट एक तालेर खीर एकदम ही अलग है और बहुत ही अच्छा है। और ताल किसको बोलते हैं, जो पाम है, आई होप आपको मालूम है पाम ट्री। पाम ट्री सबने देखा है, वो पाम ट्री से ही ताल बनता है। तो उसको मैं दिखाऊंगी जे कैसा है ये ताल। अभी सामने आपका जन्माष्टमी आ रहा है, तो जन्माष्टमी में कोलकाता में, मतलब बेंगोली लोग एकदम फेमस है ताल का बड़ा, ताल का खीर। ये भगवान श्री कृष्णा को दिया जाता है, हाँ, और जो गोपाल लाड़ू गोपाल रहते हैं उनको भी ये पहले अर्पण करके हमारे कलकत्ता का जो बंगाली लोग हैं खाते हैं। तो ये बहुत ही फेमस है, तो देखिए आप लोग भी ट्राई कीजिए बनाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आगे का प्रोसेस देखते हैं। इसको ताल बोलते हैं इंग्लिश में, पाम। तो इसके साथ इसको पहले निकालना पड़ता है, इसका ऊपर जो है इसका स्किन, फिर इसका रस निकालना पड़ता है, उसके साथ मिक्स करके आप बहुत टाइप का रेसिपी बना सकते हो। तो आपको मैं दिखाऊंगी इससे क्या क्या बना सकते हैं। इसको पहले ऐसे ऊपर का जो हिस्सा इसको निकाल लीजिए, ठीक है। फिर इसका जो स्किन है इसको ऐसे निकाल लेंगे। देखिए अभी इसका पूरा स्किन देखिए निकल लिया, ऐसा निकल दिया उसको, है। तो अभी इस देखिए ऐसे इसको निकाल के ऐसे थोड़ा, देखिए ऐसे मैं पानी में कुछ देर तक, तो एक घंटा के लिए भिगा के रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसका जो पल्प्स है तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। अगर आप हाथ से भी निकल सकते हो, अदरवाइज वो जो ग्रेटर मशीन है उसमें भी आप करने से वो पल्प फटाफट निकल के आ जाएगा, ओके। क्योंकि पानी में भिगाने से सॉफ्ट हो जाता है, तो निकलने में बहुत आसान हो जाता है इसका पल्प। देखिए ऐसे कद्दूकस के जैसे ऐसे करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका पल्प निकल के आ जाता है। पूरा पल्प निकल लिया। मैं करीब देखिए एक बोल ये ले लिया, क्या ताल का पल्प, और ठीक एक बाटी में इसमें दूध को पहले बॉईल कर लेंगे। बॉईल करके इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे, वो दूध में डालेंगे। देखिए मैं गैस ऑन कर दिया, और जो पल्प था एक बोल, पल्प को थोड़ा गर्म करके, मतलब बॉईल करके इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया, कि नहीं तो इसमें दूध डालने से वो फटने का चांस रहता है। तो इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। देखिए गाढ़ा हो गया। अभी इसमें मैं वही एक बोल में दूध डाल देंगे। देखिए इसको अभी मिक्स कर दिया मैंने दूध के साथ, और ये दूध मैंने आपको बोली जो पहले बॉईल करके थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया है दूध को, तो इसका खीर देखिए बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए आप लोग बहुत टाइप का खीर खाते हो, बट ये खीर आप कभी भी बना के खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी तक मेरा चैनल जो फ्रेंड ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और मेरा कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा जो आपको कैसा लगा, या आपको कोई भी क्वेश्चन है इसमें तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं जिसको कैसे क्या करना चाहिए या आपको कैसे लगा। ओके फ्रेंड्स, दूध के बदले में आप मिल्क मेड भी डाल सकते हैं, मिल्क मेड से भी बहुत अच्छा खीर बनता है, और आपको कोई शक्कर या गुड़ मिलाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट ये दूध है बोल के मैं इसमें थोड़ा 2 टीस्पून शक्कर या गुड़ डालेंगे। तो देखा जस्ट मैंने 2 स्पून ही डाला, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 3 स्पून डाल सकते हो, और मिल्क में डालेंगे तो आपको शक्कर डालने की ज़रूरत ही नहीं है।
इसको बीच बीच में आप हिलाते ही रहिए, नहीं तो लगने का चांस रहता है। बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी ऐसे ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, आप इसको ऑफ कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, इसमें कोई काजू किशमिश कुछ डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। ताल का खीर ऐसे ही अच्छा लगता है। इसका जो खुशबू है, ये बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, तो इसलिए इसमें कुछ डालने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ये ताल का जो फ्लेवर है, इसका जो खुशबू है, इसमें ये खीर खाने में बहुत ही मज़ा आता है। ये आप ऐसे भी खा सकते हो खीर के जैसे, या आप रोटी या पराठा उसके साथ भी, पूरी पूरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। इसमें ना मेरे पास मिल्क मेड है, तो इसलिए मैं एक स्पून मिल्क मेड भी मिला रही हूँ इसका टेस्ट और बढ़ने के लिए। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। ऐसे ही शक्कर के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है, अदरवाइज आप गुड़ डाल के भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए बन के तैयार हैं। अभी मैं ट्रांसफर करूंगी एक बोल में। देखिए कितना यम्मी लग रहा है, और ये खाने में उतना ही मज़ेदार, उतना ही टेस्टी है।